हेलो फ्रेंड्स, मुँ सागर आपको वेलकम करुच्ची आपणकर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन आईक्यू को। आज वीडियो रे आम डिस्कशन करवा डीसी मेसीन किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन गुड़ा आम ओपीटीसीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर रे आसी रिलेटेड और आईटीआई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रे जो क्वेश्चन गुड़ा आसुचे से रिलेटेड क्वेश्चन। चलतु आज वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला द रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मोटर इज नोन एज ऑप्शन नंबर ए है पोल, ऑप्शन नंबर बी है स्टेटर, ऑप्शन नंबर सी है रोटर, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ देम। राइट आंसर हो देखु आमर डीसी मशीन दुईटा पार्ट अच्छी गोटे है रोटेटिंग पार्ट गोटे है स्टेशनरी पार्ट। रोटेटिंग पार्ट को आम रोटर कहवा आम स्टेशनरी पार्ट को आम स्टेटर कहवा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला इफ द बैक ईएमएफ इज एब्सेंट इन ए डीसी मोटर देन ऑप्शन नंबर ए कौन कहला मोटर रन एट ए वेरी हाई स्पीड मोटर, ऑप्शन नंबर बी कौन कहला मोटर विल रन एट ए वेरी लो स्पीड, ऑप्शन नंबर सी कहला मोटर विल बर्न, ऑप्शन नंबर डी कहला मोटर विल नॉट रन एट ऑल। राइट आंसर आमर जदि गोटे डीसी मशीन बैक ईएमएफटा जदि आमर बैक ईएमएफटा आब्सेंट रहइबो ताले कौ कंडीशन ने ना आमर मोटरटा कौन हो मोटरटा मोटर वाइंडिंगटा आम से बर्न आउट हो जा सो राइट आंसर हो मोटर विल बर्न ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला तो नो लोड स्पीड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल बी हाईएस्ट, ऑप्शन नंबर ए है शंट मोटर, ऑप्शन नंबर बी है सीरीज मोटर, ऑप्शन नंबर सी है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, ऑप्शन नंबर डी है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सीरीज मोटर। आमर सीरीज मोटर को विदाउट लोड रे आम ऑपरेटिंग कौन करिपरिबा नाही। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला द पावर रिटेन ऑन द नेम प्लेट ऑफ ए डीसी मोटर इज ऑलवेज, ऑप्शन नंबर ए है पावर ड्रॉन इन केवीए, ऑप्शन नंबर बी है पावर ड्रॉन इन किलोवाट, ऑप्शन नंबर सी है द आउटपुट पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट, ऑप्शन नंबर डी है द ग्रोस पावर। राइट आंसर आमर मोटर जो शाफ्ट रे जो मेकानिकल पावर आसे आम से पावरटा को आम नेम प्लेट रे लिखंती कहीं आम मोटर रो काम कौन मोटरटा आमर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मेकानिकल एनर्जी को कन्वर्ट करिवो। जेहेतु मोटरटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेकानिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करुची मोटर रो शाफ्ट रो आउटपुट रे जो पावरटा आम पाइबा सेटा हला मेकानिकल पावर और मोटर रो आउटपुट पावर। सो द आउटपुट पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट से मोटर शाफ्ट जो आउटपुट पावर पाइबा से पावरटा को आम नेम प्लेट शो करती। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द आउटपुट पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला यू हैव टू चेंज द डिफेक्टिव मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव व्हिच टाइप ऑफ मोटर वुड यू चूज, ऑप्शन नंबर ए है डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ऑप्शन नंबर बी है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन नंबर सी है डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन नंबर डी है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डीसी सीरीज मोटर कहीं आमर ऑलवेज लोकोमोटिवटा को आमर डीसी सीरीज मोटर द्वारा ऑपरेटिंग करा जाए कौन पाई ना आमर लोकोमोटिवटा
जितेबले भी स्टार्ट हुए ताद्वारा ता सहित कौन ना लोड अलवेज कनेक्टेड थाए सो से आमर डीसी सीरीज मोटर की यूज करती और नेक्स्ट और कौन है ना आम डीसी सीरीज मोटरटा हाई स्टार्टिंग टॉर्क दिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करे सो से आम जितेबले यूज करती डीसी सीरीज मोटरटा को लोकोमोटिव रे यूज करती सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला राइट आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर सी डीसी सीरीज मोटर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला इफ ए फोर पॉइंट स्टार्टर द प्रोटेक्टिव रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ऑप्शन नंबर है ओवरलोड कॉइल ऑप्शन नंबर बी है नो वोल्ट कॉइल ऑप्शन नंबर सी है आर्मेचर कॉइल ऑप्शन नंबर डी है शंट फील्ड राइट आंसर है जीवो आमर जो फोर पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस गुड़ा को आम रेजिस्टेंस गुड़ा को कौन करती ना रेजिस्टेंस गुड़ा को नो वोल्ट कॉइल द्वारा आम कौन करती ना सीरीज रे डायरेक्ट सप्लाई सहित कनेक्शन करती है सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नो वोल्ट कॉइल नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला द फंक्शन ऑफ इक्वलाइजर रिंग इज ऑप्शन नंबर है टू अवॉइड द अनइक्वल डिस्ट्रप्शन ऑफ करंट एट द प्रोसेस ऑप्शन नंबर बी है हेल्प इन रिड्यूसिंग स्पार्किंग ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी आमर जो इक्वलाइजर रिंग टाक यूज करती इक्वलाइजर रिंग कौन करना आमर स्पार्किंग टाक रिड्यूस कर और अनबैलेंस करेन्टा को कौन करना आमर डिस्ट्रप्शन और अनबैलेंस करेन्टा को आम ब्रश कति की जो आसे अनबैलेंस करेन्टा से ब्रश कति की न आसिकी रिटर्न कौन करना फेर वाइंडिंग की बसईदेव सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला द ब्रश ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ ऑप्शन नंबर है कार्बन ऑप्शन नंबर बी है सॉफ्ट कॉपर ऑप्शन नंबर सी है हार्ड कॉपर ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर है आमर ऑप्शन नंबर ए कार्बन आमर जदि हाई करंट रेटिंग हाई करंट यूज करवा आमर हाई करंट जगह कौन यूज करवा ना कॉपर रो ब्रश यूज करती नॉर्मली आमर कौन हुए ना कार्बन ब्रश यूज करती जदि आमर हाई करंट थी से जगह आम कॉपर ब्रश यूज कर सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला ए सिंगल लेयर वाइंडिंग इज वन इन हुईज ऑप्शन नंबर ए कहला टू कॉइल साइड आर प्लेस्ड इन इच स्लॉट ऑप्शन नंबर बी है थ्री इक्वल साइड्स आर प्लेस्ड इन इच स्लॉट ऑप्शन नंबर सी है वन कॉइल साइड इज प्लेस्ड इन इच स्लॉट ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दोज राइट आंसर है आमर देख ऑप्शन नंबर सी वन कॉइल साइड इज प्लेस्ड इन इच स्लॉट जेहेतु आम क्वेश्चन सिंगल लेयर आम कौन करना यहाँ है आम स्लॉट है यहाँ स्लॉट रे सिंगल लेयर रे गोटे कॉइल एंड पॉइंट गोटे एंड पॉइंट कनेक्टेड रही है गोटे स्लॉट रे यहाँ है आमर सिंगल लेयर रि आम डबल लेयर हो डबल लेयर कौन गोटे गोटे स्लॉट रे आमर दुटा वाइंडिंग दुटा कॉइल एंड टर्मिनल रो सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन कॉइल साइड इज प्लेस्ड इन इच स्लॉट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर ए डीसी जनरेटर इज डैश ऑप्शन नंबर ए है एडी करंट लॉसेस इज इक्वल टू स्ट्रे लॉसेस ऑप्शन नंबर बी है हिस्टेरेसिस लॉसेस इज इक्वल टू एडी करंट लॉसेस ऑप्शन नंबर सी है कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू जीरो ऑप्शन नंबर डी है वेरिएबल लॉसेस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस सो आमर मैक्सिमम कंडीशन केतेबेले हबो ना आमर डीसी जनरेटर जेतेबेले आमर वेरिएबल लॉसेसटा इज इक्वल टू हो कन्स्टांट लसेस सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वेरिएबल लॉसेस इज इक्वल टू कन्स्टांट लसेस
variable losses is equal to constant losses. Next, the generator in which is the shunt field is connected after the series field is called as dash. Option number A hela DC series generator, option number B hela DC shunt generator, option number C hela DC short shunt compound generator, option number D hela DC long shunt compound generator. कौन कहला ना एटा जदी हला गोटे आर्मेचर, एटा जदी हला गोटे सीरीज फील्ड, एटा हला हमरो शंट फील्ड. से कौन कहला ना हमरो शंट फील्डटा कनेक्टेड हैची आफ्टर सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड रो आफ्टर रे. सेति पाए जदी सेसो जदी कौन कहला ना सीरीज फील्ड रो आफ्टर रे कनेक्टेड हैची. सो राइट आंसर कौन हे जीवो डीसी लॉन्ग शॉट है जो जेहेतु आम सीरीज फील्ड रो आफ्टर रे कहिछि आर्मेचर, आर्मेचर परे सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड रो आफ्टर रे कहिछि जेहेतु सेटा हला कोन हला ना ये जो शॉट फील्ड ता हमरो बोथ आर्मेचर आउ सीरीज फील्ड सहित पैरेलल हे गला. सो जदि हमरो सीरीज फील्ड आर्मेचर सहित शॉट फील्ड पैरेलल हेला आमे ताको कोन कहिबा डीसी लॉन्ग शॉट कंपाउंड जनरेटर. सो राइट आंसर हे गला ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिला The speed of motor is measured by dash. Option number A hela ammeter, option number B hela voltmeter, option number C hela meter, option number D hela tachometer. So right answer is option number D, tachometer. कहीं ना आम जानते आमिटर में आम करेन्टर भैल्यू मेजर करवा, भोल्टमिटर में आम भोल्टेजर भैल्यू मेजर करवा, मेगर में आम इन्सुलेसन रेजिस्टेंस मेजर करवा, इन्सुलेसन रेजिस्टेंस मेजर करवा. सो ऑप्शन नंबर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टैकोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हाई स्टार्टर आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्री. ऑप्शन नंबर ए हैला रेगुलेट द फील्ड वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी हैला स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द मोटर, ऑप्शन नंबर सी हैला कंट्रोल द आर्मेचर रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी हैला रिड्यूस द आर्मेचर करंट. राइट आंसर है जीवो हमर राइट आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस द आर्मेचर करंट. कौन पाइना आमर जो स्टार्टर टाकू कौन पाई यूज करना स्टार्टर टाकू आम स्टार्टिंग टाइम रे आमर जो स्टार्टिंग टाइम रे कौन थाए ना बैक ईएमएफ टा जीरो थाए. बैक ईएमएफ जीरो थिले आमर करंटटा मैक्सिमम थाए. करंटटा कौन थाए ना मैक्सिमम थाए. सेही कंडीशन रे कौन हुए ना आमर करंटटा को रिड्यूस करिया को आम कौन करना स्टार्टर को यूज करूँ. सो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस द आर्मेचर करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर. ऑप्शन नंबर ए हैला आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी हैला आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी हैला आउटपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी हैला आउटपुट वोल्टेज विल बिकम जीरो. राइट आंसर है जीवो आमर आउटपुट वोल्टेज टाक कौन करना डिक्रीज कर दिव. आर्मेचर रिएक्शन कौन करना आमर आउटपुट वोल्टेज टाक सी डिक्रीज कर दिव. सो राइट आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर बी आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हाट इज द यूनिटी ऑफ पावर. पावर रो यूनिटी कौन पचार. ऑप्शन नंबर ए हैला एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी हैला वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी हैला वाट, ऑप्शन नंबर डी हैला ओम. राइट आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर सी, सी वाट. आम पावर टाक कौन मेजर करना वाट रे मेजर करती. ऑप्शन नंबर ए कौन देखिए एम्पियर, एम्पियर टाक कौन करेन्टर यूनिटी करेन्ट टाक आम एम्पियर में मेजर करवा. वोल्ट आमर क्या ना वोल्टेज टाक आम वोल्ट रे मेजर करवा. ओम, ओम टा कौन रेजिस्टेंस टाक आम ओम रे मेजर करवा. सो राइट आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर सी वाट. सो फ्रेंड्स आज पाई एतिकी. आपन जदि वीडियो टी भल लागिला ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु.